नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज आस्था का, लोक आस्था का महापर्व छठ यूपी बिहार समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी छठ को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसको लेकर व्रतियों की भीड़ धीरे धीरे छठ घाटों पर पहुंच रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। व्रतियां पहुंची हैं घाटों पर और यहां पर अर्घ दिया जा रहा है। बेहद ही खास ये पर्व। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मिथिलेश जुड़ गए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, डूबते सूर्य को अर्घ महिलाएं दे रही हैं, व्रतियां दे रही हैं, आखिर कितना उत्साह इस खास पर्व को लेकर है और आखिर कैसी तैयारियां इस पर्व को लेकर के की गई हैं, कैसा नज़ारा इस वक्त है, दिखाइए तस्वीरों में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि भिलाई में मानो उत्तर भारत समा गया हो। आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम यह दृश्य है। यहाँ पर अभी कुछ ही मिनट पहले जो है महिलाओं ने, व्रतधारी महिलाओं ने ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया है और यहाँ पर एक मेला सा लगा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा तालाब कहलाता है भिलाई का, जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर उत्तर भारतीय यहाँ पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर है, कितना मनोरम है, क्योंकि 36 घंटे का व्रत चल रहा है और इस पल का इंतजार करते हैं लोग साल भर कि कब यहाँ पर छठ का पर्व आएगा और लोग धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि उत्तर भारत और भिलाई का ये सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। परिवार और संतान की खुशहाली की कामना के लिए महिलाएं जो 36 घंटे का व्रत रखती हैं। और 36 घंटे का व्रत तब पूरा होएगा जब कल सुबह उठते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज सुबह से ही लगातार जो है महिलाएं जो इसकी तैयारियों में जुटी हुई थी और उसके बाद में आज शाम को सूर्य ढलने के पूर्व जो है महिलाएं यहाँ पर घाट में पहुँच गई और घाट में पहुँचने के बाद में वे पानी में खड़े होकर इंतजार करती रही कि कब सूर्य अस्तांचल होएगा और इसके बाद में जो है जी ठीक लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। होशंगाबाद से हमारे साथ शैलेंद्र गौरव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महापर्व आज मनाया जा रहा है छठ का, आखिर कैसी तस्वीरें हैं वहां पर और कैसा उत्साह इस पर्व को लेकर, व्रतियां वहां पर पहुंची होंगी, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। गीतों का भी बहुत महत्व रहता है आज के दिन, उनसे गीत गवाइए, बातचीत कीजिए। जिस समय हम माँ नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे माँ नर्मदा के तमाम घाटों पर उत्तर भारत की छठा देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो छठ व्रत को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज अस्ताचलगामी जो सूर्य नारायण हैं उन्हें अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत को पूरा किया जाएगा। 3 दिन की जो साधना है, व्रत की कठिन तपस्या है, उसे समस्त श्रद्धालु जो है वो पूरी साधना से, पूरी जो भक्ति भाव है उससे मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। कैमरा लेके नीचे आ जाना, आइए आइए। जी कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस पर्व त्योहार बिहार में जाके मनाते हैं, अभी बिहार से नहीं हो जा पाते हैं तो यहीं पे आकर करके अपना श्रद्धा को करते हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनका कहना है कि परिवार में परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और चूंकि इस समय वहां जाना नहीं हो पाया बिहार में, तो यहीं मां नर्मदा के घाटों पर इस व्रत को पूरा किया जा रहा है। वाकई वाकई वाकई, जहाँ है वहीं पर व्रत को अच्छे से रखा जा रहा है। घाटों पर पहुंची हैं महिलाएं और पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं। मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कई सारी बड़ी संख्या में महिलाएं वहाँ पर व्रतियाँ मौजूद हैं जो घाट पर पूजा अर्चना कर रही हैं। अगर हो सके तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। शैलेंद्र, जी बहुत उत्साह है, बहुत कठिन व्रत है जो कि हो रहा है और इसका महत्व है कि डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। एक यही व्रत है जिसमें डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, इसका यही एक महत्व है।
और ये तीन दिन छठ के गीत भी परंपरागत रूप जी बहुत बहुत परंपरा है छठ के गीत की। छठ के गीत तो भाई मम्मी गाएंगी। किस प्रकार से यहाँ इकट्ठे हुए, कितने दिन की साधना है? ये चार दिन की। कैसे कैसे पूरा कर रहे हैं? चार दिन की साधना है। आज तो पूरा दिन निर्जला व्रत है, कल का भी था और कल सुबह तक रहेगा। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, छठ के व्रत को पूरा कर रहे हैं। बड़ी उत्साह है, बड़ा आस्था है इस तमाम व्रत को लेकर के, और सभी सूर्य नारायण से, मां नर्मदा से और छठ मैया से प्रार्थना कर रहे हैं उनका मंगल हो, उनके परिवार का मंगल हो, सब पर कृपा बनी रहे। जी ठीक है ठीक है ठीक है। मिथिलेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए व्रतियां पहुंची हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, आप भी इस वक्त घाट पर मौजूद हैं, अगर हो पाए तो वहां पर महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए। और आज के दिन गीतों का बड़ा महत्व होता है, बड़े ही सुरीले गीत वहाँ पर महिलाएं गाती हैं, अगर हो पाए तो वो भी कोशिश करिए। जी बिल्कुल, महिलाएं यहाँ पर हैं जो अभी कुछ ही समय पहले जो अर्घ देकर बाहर निकल रही है। देखिए आज छठ का पर्व कितना महत्वपूर्ण मानती है। देखिए अभी थोड़ा अड़बड़ी में कुछ लोग और हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे। देख बेटे आप लोग छठ में आए हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के दिन? मतलब काफी अच्छा महत्व है। मैं वैसे सेलिब्रेट करती नहीं हूँ, पर हाँ देखने में इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर में, हमारे भिलाई में इतना अच्छे से छठ मनाया। कैसी तैयारी करते हैं आज के लिए? आज के लिए अभी मतलब काफी अच्छी तैयारी है। सुबह कल रात से सारी चीजें किया जाता है और आज भी सारा सेलिब्रेशन तालाब में 4 बजे से लोग आके, इतनी भीड़ में सब आते हैं और इतने अच्छे से त्योहार मनाते हैं। कल सुबह भी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। देखिए कल सुबह भी आएंगे जब उगता हुआ सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए महिलाएं जो कि बुजुर्ग होने के बाद भी जब यहाँ पर घाट में पहुँचती है, तो निश्चित रूप से आज का पर्व काफी महत्वपूर्ण होता है। देखिए आज आप लोग अर्घ दिए, कैसी तैयारी थी छठ की? और कुछ लोग हैं महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए बाजे गाजे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आज छठ अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस छठ पर्व पे, हर साल हम चाहेंगे कि ऐसे ही मनाते रहे हम। कैसी तैयारी होती है आज की? तैयारी इस बार बहुत अच्छी हुई है जी। तो मतलब आज ढलते हुए शुरू करके दे दिए गए, सुबह फिर आएंगे जी? सुबह फिर आएंगे जी, सवेरे फिर 4 बजे। बेटी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उल्लास है, बहुत अच्छा है। अभी अर्घ दिए हैं, सुबह फिर देंगे, और क्या क्या परंपरा होती है? अर्घ देंगे सुबह, अभी जाके अपना घर ही में रहेंगे, व्रत चलता रहेगा जी जी जी, सुबह 4 बजे आएंगे। तो देखिए महिलाएं जो है अभी अस्तांचल सूर्य को अर्घ दी है, उसके बाद में जब कल सूर्य उगेगा, उससे सूर्योदय होगा, उसके बाद में अर्घ दिया जाए। काफी काफी मनोरम दृश्य है, क्योंकि मिनी इंडिया ये भिलाई कहलाती है, जहाँ पर हर प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं। यही वजह है कि चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे बिहार वासी हो, चाहे कोई भी प्रांत में रहने वाले लोग इस यहाँ पर पहुँचते हैं, और काफी यहाँ पर जो है पूरे परंपरा के तरह से ये मनाते हैं। तो काफी खुशनुमा ये नज़ारा है यहाँ पर, चारों ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइटिंग यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ा त्यौहार ये तालाब कहलाता है भिलाई का, भिलाई के सेक्टर 2 का तालाब, चारों ओर सुंदर लाइटिंग है, मनोरम यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से फव्वारे जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए, दोपहर के बाद से यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया था, जो देर शाम तक चल रहा है, क्योंकि अभी अर्घ दिया गया है और इसके बाद जो है। ठीक ठीक ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम देखते हैं कि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा इस पर्व का महत्व रहता है, बढ़ चढ़ कर इस पर्व में हिस्सा लोग लेते हैं, पर हम जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह की देख रहे हैं, वहाँ पर भी लोग छठी मैया की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।